डिंडोरी जिले के शहपुरा विकासखंड अंतर्गत आने वाले बरगांव खरीदी केंद्र के सामने हाईवे पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर किसानों ने धान रखकर धरना दिया। किसानों के चक्का जाम से जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। किसानों का कहना है कि डिंडोरी वेयर हाउस के सर्वेयर ने धान को पास नहीं करते हुए ट्रकों को वापस कर दिया है। यहां धान वापसी होने पर खरीदी भी बंद कर दी गई है। सर्वेयर के द्वारा बरगांव क्षेत्र से खरीदे गए धान की नमी 18% बताते हुए ट्रक वापस किए गए हैं, जबकि मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने देखा तो नमी 14% पाई गई। भारतीय किसान संघ ने भी किसानों की समस्या का समर्थन करते हुए उनके साथ जिला प्रशासन होश में आओ के नारे लगाए। किसानों का कहना है कि जब बरगांव धान खरीदी केंद्र में सर्वेयर उत्कर्ष मिश्रा के द्वारा धान को पास करके डिंडोरी भिजवाया गया था, तो अब डिंडोरी के जगदम्बा वेयर हाउस के सर्वेयर द्वारा गलत तरीके से इसे अमानक क्यों बताकर वापस किया गया है। यहाँ पर समस्या जो विशेष रूप से यहाँ पर है, किसानों के जो धान आए जा रहे हैं उसको मानक से कम माना जा रहा है, जबरदस्त किसानों को परेशान किया जा रहा है, जो लेकर आते हैं किसान बंधु उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, साथ में सर्वेयर का जो रवैया है बहुत गलत तरीके से है और परेशान करने का है, और किसानों की पीड़ा होने के वजह से किसान अब रोड पे आएगा। भाई साहब ये बताइए, मौसम की मार झेल रहा किसान, धान निकालने में इस वर्ष आदमी की पसीना निकल गई, ये आसमान से जो पानी गिरा तो क्या उसको किसान गिराया है? तो अगर हमारी धान की खरीदी नहीं हो रही है तो हमको जो है बीमा, जो बीमा हुआ है तो वो बीमा कंपनी फसल बीमा हमारी धान की करे, और बढ़िया है जो फेल होके आया है। यहाँ से तो पास करके गया था, यहाँ से तो सर्वेयर ने कहा यहाँ से पास करके गया है, लेकिन वो जो भी घटिया सर्वेयर है वो डंडौरी वाला, वो जो है यहाँ आए किसानों से मिले, उसको हम समझाएं कि क्या होता है कि धान की फसल। जो भी आप देखिए सामने है, जो ऐसे सर्वेयर इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, या तो फिर हमको बता दे, हम अपना पूरा माल ये रोड में लेके बैठ जाए, शासन नहीं खरीदती मना कर दे, किसान क्यों भटकेगा, बाजार में है तो जाके बेचेंगे 1800-1700, सरकार नहीं खरीदना चाहती है 2183 रुपये, तो सब बंद कर दें, ये सब कह दे किसान अपना माल फेंके, बारिश हो गया है कहीं कलर डैमेज हो गया, तो बारिश हुई है किसान क्या करेगा। माल बेचने के लिए आया, हमारी एक एक बोरी सर्वेयर जो है ओल दुआ करके और टाल लगवाया, और टाल लगवा के पास किया और ये माल को लिया। माल ये है देख लीजिए आप सब कोई, जब डंडौरी गोदाम में जब माल यहाँ से लोड होके जाता है तो वहाँ का सर्वेयर जो है तो फेल करके और गाड़ी वापस कर देता है। अब ये बताओ हम किसान भाई क्या कर सकते हैं? अरे शासन प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि हमारे माल की निरीक्षण करते हुए हमारे माल को पास किया जाए। डिंडोरी से संदीप गोलिया की रिपोर्ट।